इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह डेल लैटिट्यूड E64 इस लैपटॉप में किस तरह अलार्म सेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट बटन के जो राइट साइड में सर्च करने के लिए बार होता है, आपको यहाँ सर्च करना है अलार्म। तो मैं यहाँ अलार्म सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ आ रहा है अलार्म सेंड क्लॉक। तो फिर आपको इस पर क्लिक करना है, अलार्म सेंड क्लॉक पर। उसके बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर टाइमर दिखाई दे रहा है, उसके नीचे अलार्म। तो मैं अलार्म पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइम पर जाना है। तो आपको यहाँ पर एडिट अलार्म का दिखाई देगा, आपको टाइम पर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हो। तो मुझे अलार्म लगाना है 5:30 का। मैं डायरेक्ट भी यहाँ से इंटर कर सकता हूँ 30 मिनट, 5:30। और अगर आपको अलार्म रिपीट नहीं करना है तो आप यहाँ से अनटिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। इस तरह आप अलार्म सेट कर सकते हैं।